एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास है निविया का एलोवेरा क्रीम मॉइस्चराइज़र। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, एंड ये मॉइस्चराइज़र अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है गाइज। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास सबसे स्मॉल वर्जन है इसका। ये आती है 4 रुपीज़ 99 गाइज, 4 रुपीज़ 90, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट इज़ 4 रुपीज़ 90, 90 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। और ये 50 ml का जार है गाइज, ये जो आप टब देख सकते हैं। एंड इसके अंदर तासीर है एलोवेरा की दोस्तों, और मैंने इसे यूज़ भी किया है, और आप एलोवेरा का लीफ यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए आप। तो मैंने इसे यूज़ भी किया है दोस्तों, मुझे ये प्रोडक्ट काइंड ऑफ अच्छा लगा है। बिकॉज़ मैं आपको बता दूं कि ये इसमें लिखा हुआ तो है कि मतलब ये एलोवेरा कंटेन करता है, जो कि भारी मात्रा में एलोवेरा की तासीर है इसके अंदर गाइस, मतलब गलत नहीं है। फेस के हिसाब से ऑयली स्किन वाले मगर इसे नहीं यूज़ कर सकते गाइस, क्योंकि मैंने इसे फेस पे यूज़ किया था तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। काफ़ी चिपचिपा मुझे फेस पे फील हुआ है, स्टिकी स्टिकी ग्रीसी एकदम फीलिंग आई है फेस पे, तो मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया फेस पे यूज़ करने के लिए। पर बॉडी पे मैंने इसे मतलब हैंड्स पे मसाज की, फिंगर्स पे मसाज की, विच इज़ यार इसने मतलब अच्छा सॉफ्ट रखा है हैंड्स को। बट ड्राई स्किन वाले इसे अपने फेस पे बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी हाल ही में मतलब काफ़ी लोगों के ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं, मेरी कोई एक न्यू सब्सक्राइबर है गाइस, कावेरी उनका नाम है, तो वो मुझे पूछ रही थी कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी क्रीम यूज़ करे। तो कावेरी, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, तो यू कैन यूज़ दिस निविया का एलो बॉडी क्रीम फ्रेश मॉइस्चराइज़र, या बॉडी वाइज भी इसे यूज़ कर सकते हैं गाइस। आप इसे फेस क्रीम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वालों को ये फेस पे तो बेहतरीन असर देगी, मतलब बहुत उनके लिए अच्छी है। एंड एलोवेरा इट्सेल्फ इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन। एलोवेरा में मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है दोस्तों। ये देखिए, मतलब हर निविया के प्रोडक्ट के जैसे एक आपको सिल्वर शीट मिलेगी, एंड वाइट कलर की इसकी फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसे मैंने अपनी बच्ची पे भी मतलब उसके फेस पे लगाया था। गुनिका की अभी थोड़ी ड्राई स्किन है दोस्तों, तो गुनिका को तो फेस पे ये काफ़ी अच्छे से सूट होगी, एक स्मॉल बेबी को मतलब ये सूट होगी, तो बेबीज़ को भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं उनके फेस पे दोस्तों। तो ये देखिए, एंड मैं आपको क्लोज़र लुक बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक है मतलब, तो ये ऑयली स्किन वाले फेस पे नहीं लगा सकते हैं, बाकी ड्राई स्किन वाले तो इसे फेस में बड़े आराम से लगा सकते हैं। बहुत इजीली ये जो है ग्लाइड हो जाता है स्किन पे दोस्तों, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाता है, ये देखिए आप। और एक आपको एक एक शाइन की एक टिंट देगा आपको फेस पे दोस्तों, तो ये इसमें ये तासीर है कि आपको शाइन देगा, ये आप देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी एक शाइन नज़र आ रही होगी मेरे हाथ में गाइस। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है इसके अंदर। प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, बट बॉडी के लिए अगर कोई ऑयली स्किन वाला इसे यूज़ कर सकता है तो वेरी गुड, बट ऑयली स्किन वाले फेस पे नहीं, ड्राई स्किन वाले इसे अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। कोई कॉम्बिनेशन स्किन वाला मुझे देख रहा है तो आप इसे विंटर्स में जो है यूज़ कर सकते हैं, बट समर्स में ना यूज़ कीजिएगा कॉम्बिनेशन स्किन, विंटर्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। पता नहीं ब्रांड्स क्यों ऐसा मतलब एक क्लेम करते हैं, ये एक किस्म का छलावा है दोस्तों, मतलब लोगों को झांसे में फंसाने का, बट ऑयल्स ऑल स्किन टाइप्स के लिए नहीं है। मैंने आपको बता ही दी है वीडियो में कि कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर ग्लिसरीन की तासीर है, तो आपको वैसे भी आपके फेस में शाइन तो इसने देनी ही देनी है दोस्तों। एंड खुशबू बहुत बहुत अट्रैक्टिंग है, बहुत अच्छी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेरी बच्ची जो है गुनिका इतनी छोटी है तो मैंने इसे कैसे यूज़ किया। दोस्तों, जब गुनिका का बर्थ हुआ था तो उसकी स्किन में बहुत, उसकी स्किन ड्राई थी, ओवर सेंसिटिव स्किन थी, तो हमारे जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, तो उन्होंने कहा था कि आप कोई थिक बेस वाली क्रीम यूज़ कीजिए बेबी पे, आप कोई भी ऐसे लगाती होंगी। तो हमने शुरुआत की सबसे पहले सीटाफिल लोशन से, फिर डॉक्टर ने कहा कि सीटाफिल लोशन लगा सकती हैं आप, निविया क्रीम लगा सकती हैं आप, तो गुनिका को जो है सूट होने लगी वो प्रोडक्ट्स दोस्तों। एंड अभी मैं गुनिका के ऊपर ये वाला अप्लाई कर रही हूँ, जो कि उसकी स्किन को ये भी सूट हो रही है। तो स्मॉल जैसे बच्चे हैं, उनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप बच्चों पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई नए हैं, अगर मेरी बच्ची के बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरी बच्ची भी 10 मंथ्स की है, तो 10 मंथ्स तक आप मतलब 10 मंथ्स की बच्ची के ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं आराम से। थोड़ा नीचे की है तो आप सीटाफिल लोशन ही यूज़ कीजिए। सीटाफिल लोशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी वो लोशन की, आप वीडियो देखिए तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, मतलब
ख़राब नहीं कहूँगी मैं। एंड इसमें बड़े जार्स भी अवेलेबल है, मैंने अच्छा हो गया थैंकफुली मैंने इसका ट्रायल वर्जन लिया था एक टेस्ट के तौर पे, एंड मुझे मतलब पता चल गया। तो मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी ड्राई स्किन है, तो एक तो मैंने कावेरी कह दिया और कुछ और भी है मुझे करंटली नाम नहीं याद आ रहे हैं गाइस। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो ड्राई स्किन, इसे आप ऐसा नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, निविया प्रोडक्ट आपको निराश नहीं करेगा, बट ऑयली स्किन वाले से ना यूज़ कीजिए दोस्तों। एंड एज ग्रुप सारे ही एज ग्रुप वाले से यूज़ कर सकते हैं, टीनेजर्स एंड न्यूली वेड्स और आंटीज मॉम्स जो भी है ऐसे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, मर्द भी इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मर्दों को भी पूरा हक है ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का। तो इसे यूज़ कीजिए गाइज और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रिव्यू जो है पसंद आई है। आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को तो बहुत सारे लाइक्स देने हैं दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी दोस्तों, तो आप मेरे नए चैनल डेली टिप्स पे विजिट कीजिए, मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखिए, और वो मेरा चैनल है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये रिव्यू कैसी लगी, और ये प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किया है तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय।